नेक्स्ट भी डे कंसेप्ट इस चैप्टर में जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वन और टू इयर्स बैक हम इसको पूरा डिटेल में किया करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला करते थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, मे बी रिंग हो, मे बी स्फीयर हो, मे बी एक डिस्क हो जाए, मे बी सिलेंडर हो जाए, मे बी रॉड हो जाए। तो अब ऐसा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो फिर भी मैं आपको एक केस करके दिखाऊंगा। बाकी में उन्होंने लिखा है कि वैल्यूज बच्चों को बता दीजिए कि कौन कौन सी हैं, एक केस में कर दूंगा, बाकी वैल्यूज लिखवा देता हूँ, उसके बाद हमारा काम खत्म है। दो तीन न्यूमेरिकल हैं तो ज्यादा न्यूमेरिकल भी इसी कंसेप्ट में बेस्ड होते थे, तो अब ये नहीं है तो फिर वो भी नहीं है, ठीक है जी। बट ये है लॉस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम बेटे जैसे आई ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स अगर आप अज्यूम कर लोगे तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, आपको एक मेथड में बता देता हूं। बाकी वैल्यूज फिर बेटे मैं आपको नोट करवा दूंगा, अकॉर्डिंगली आप फिर वो अपने माइंड में रिटेन कर लीजिएगा। एक रिंग है बेटा, जैसे डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, एक कर दूंगा बाकी नहीं करूंगा मैं। रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैसे निकालना है, रिंग जनरली हमने बेटे अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में डाला ही होता है, यही रिंग की बात कर रहे हैं वो। और आपका इमेजिन कर लीजिए बेटे, ये वाला रिंग हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, प्लॉट किया, बना लिया इसको ऐसी। किसी के पास है उतर जाता तो दे भी दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं और रिंग। थैंक यू बेटा, पेन भी देना। सो बच्चों देखिएगा सारे स्टूडेंट्स जरा ध्यान से, ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो आप इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहे हैं दिस वे, बिल्कुल मिडल में से, इनके अबाउट निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली तो नहीं शो कर पाऊंगा, समथिंग लाइक दिस, इन एक्सिस के अबाउट जब आप इसको रोटेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सेकेंडली इसका डायामीटर आप ले लीजिए, ये वाला इधर भी तो हो सकता है, डायामीटर तो कहीं भी हो सकता है, तो आप डायामीटर के अक्रॉस निकाल सकते हो अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग निकाल सकते हो। एक आप अपने रिंग को ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हो, ऐसे ऐसे दिस वे, इन एक्सिस के राउंड अबाउट आप रोटेट कर दो ऐसे, ठीक। दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन टू द रिंग, तीन केसेस बन जाते हैं। एक आपका आ जाता है एक्सिस दैट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, इसको एक्सिस बोल देते हैं। एक डायामीटर आ गया, एक टेंजेंट आ गया रिंग को जो आप बना सकते हो। सो इनको वन बाई वन मैं आपको करके दिखा देता हूँ बेटा, बाकी फिर मैं वैल्यूज लिख देता हूँ जैसे आपके सिलेबस में उन्होंने बताया है। वाई टू पुट अंडू प्रेशर ऑन यू पीपल, अगर है ही नहीं है तो फिर क्यों करते जाना, तो वो अपने आप सीबीएसई एडजस्ट करेगा। सेंटर ऑफ द रिंग, ये बच्चों डॉटेड लाइन जो मैं शो कर रहा हूं ये डायामीटर नहीं है, असल में ये ऐसे है, ठीक है। मेरे पास बोर्ड ही टू डायमेंशनल है तो मैं ऐसे लाइन बना नहीं सकता हूं, इसलिए ऐसे बना दिया, ठीक है जी। इसको एक्स बोल दीजिए, ओ बोल दीजिए, वाई पॉइंट बोल दीजिए, ये एक्सिस में से पास, एक्सिस के अलोंग आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ये इमेजिन कर लिया। और बेटे आपके रिंग का जो रेडियस है लेट इट बी कैपिटल आर, कुछ भी कह सकते हो आप, और रिंग का मास लेट इट बी कैपिटल एम, आप समझ लीजिएगा, डेरिवेशन इज नॉट इन द सिलेबस, आप रिजल्ट लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं बेटा। एम मास है रिंग का टोटल, आर इसका रेडियस है, आपने रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर लिया जिसका लेंथ डी एक्स के बराबर है। एक मिनट देना बेटी, थैंक यू
थैंक यू बेटा। जैसे ही आपका रिंग है बेटा, एक इस रिंग का हमने छोटा सा हिस्सा लिया, हमने तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमारा प्रोसीजर क्या होगा, टेक्निक क्या होगा, हम इतने हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे छोटे पार्ट का, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल का निकाल लेंगे। तो दिस स्कीम वी विल बी अडॉप्टिंग ऑलमोस्ट इन एवरी केस, मे बी रिंग, मे बी डिस्क, मे बी स्फीयर हॉलो और सॉलिड, मे बी योर सिलेंडर हॉलो और सॉलिड, मे बी रॉड, रॉड का भी हम निकाला करते थे। और इन सब केसेस में आप एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट इस पे इमेजिन कर लिया करते हैं बेटे, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद आप सारा कैलकुलेशन कर लिया करते हैं। सो मास पर यूनिट लेंथ बेटा, तो बच्चों देखो टोटल मास तो एम है आपके रिंग का, इसकी लेंथ कितनी है निधि? हाँ जी, एल कितना है इसका? नहीं नहीं नहीं, रिंग की लेंथ कितनी है? 2πr, वेरी नाइस। तो ये इसके 1 सेंटीमीटर का मास आ गया। अब आपने dx सेंटीमीटर इसका लिया, एलिमेंट्री पार्ट लिया, तो मास इस एलिमेंट का dm छोटा सा मास ही होगा, बड़ा मास पूरी रिंग का है तो इतने हिस्से का मास भी थोड़ा होगा। इट विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। 1 सेंटीमीटर का मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय कितने सेंटीमीटर का आपने एलिमेंट लिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी, है ना बेटा? किसके बराबर होता है आई? हमारा एम इंटू आर का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए आपके पास, अब आप इसको बाकी पार्ट को भूल जाइएगा, ये है ही नहीं है, सिर्फ इतनी चीज ही है, ये इतना हिस्सा यही इसके राउंड अबाउट रोटेट करी जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, पूरा रिंग नहीं है। और उस केस में क्या होगा, आप इतने हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। मैं अगेन रिपीट करूंगा, रिंग पूरा नहीं है, रिंग का छोटा सा हिस्सा ही है, एलिमेंट्री पार्ट ही है, यही रोटेट कर रहा है एक्सिस के राउंड अबाउट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी थोड़ा सा ही होगा, अगर पूरे को आप आई बोलोगे तो इतने हिस्से का तो छोटा ही होगा ना बेटा। और ये आ जाएगा मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, राइट? सो डी आई इतने हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम अपॉन 2πr इंटू डी एक्स इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर कर दीजिए, है ना बेटा? और एक आर आपका देखिए कट जाएगा। अगेन आपका जो डी आई है इट विल बी बेटा एम अपॉन एम आर अपॉन 2πr इंटू डी एक्स, ये चीज आ गई। आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको आप, आपने इंटीग्रेट किया एम इंटू आर 2πr डी एक्स आ जाएगा जी। डी एक्स आपका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा? डी एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, लिमिट क्या लगाऊं डी एक्स के मैं? हाँ जी, मैक्सिमम 2πr, मिनिमम 0, तो इट विल बी 0 टू 2πr। तो देखो ये तो कॉन्स्टेंट ही है सारे डी एक्स को छोड़कर, है ना? सो इट विल बी एम आर अपॉन 2πr इंटीग्रल डी एक्स 0 टू 2πr। और बच्चों डी एक्स का इंटीग्रल, अदिति अदिति है क्लास में, है डी एक्स का इंटीग्रल? नहीं, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स एक्स आएगा ना, तो 0 to 2πr कर दे लिमिट। सो वी विल हैव ये वाला पार्ट रब कर दूं, डेरिवेशन तो वैसे भी आपके कोर्स में नहीं रही अब, तो सिलेबस के साथ उन्होंने काफी, मैं क्या कहूं, एम आर अपॉन 2πr इंटू 2πr कर दें जी, खत्म। आई इज इक्वल टू एम इंटू आर का स्क्वायर,
चीज वही बन गई है, थोड़ा घुमा फिरा के पहुंच वहीं पे गए हैं, लेकिन कई केसेस में ये MR square नहीं होगा, कई केसेस में अलग होगा, तो अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज। अब बड़ी वैसे तो होना नहीं चाहिए था, अब जब हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस जानते नहीं है तो हम कैसे निकाल पाएंगे रिजल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट। सो मैं वैसे बता देता हूं आपको, अब ये डायामीटर मान लीजिए, अब इसका है एक डायामीटर, ये भी है, डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² के बराबर होगा, ये याद रखिएगा, एनी डायामीटर के राउंड अबाउट। सो ये दो पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बाकी वैल्यूज में आपको नोट करवा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, फिर अकॉर्डिंगली हम आगे चल पड़ते हैं बेटा। ठीक है जी, चलें आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और डिफरेंट बेटा, हमारे पास जो बॉडीज हैं उनका उन्होंने आपके सिलेबस में वैल्यूज मेंशन करने को बोला है, तो वैल्यूज तो मैं सारा टेबल ही लिखवा देता हूँ आपको, जो जो भी हमारे पास जरूरी रिक्वायर्ड होती है, और देख लेते हैं कि कोई रह ना जाए वैल्यू कोई भी। यस, रॉड, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 1/12 mL² होता है सेंटर ऑफ द रॉड में से। अगर ये रॉड है एक और रॉड का लेंथ बच्चों एल है, तो ये सेंटर से पास कर रही लाइन को आप एक्सिस कह देते हैं, ये ऐसे आप इसके राउंड अबाउट रोटेट कर देते हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 mL² के बराबर आएगा, इसको याद रखिएगा। सेकेंडली आपके पास बच्चों हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर बहुत काम आएगा आपके, आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों कट कर दिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 2/3 mr², ये मैं एक्सिस में से कह रहा हूँ सारे, ये अगर आपका हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के एक्सिस में डॉटेड लाइन बना सकता हूँ बिकॉज मेरे पास बोर्ड 3 dimensional नहीं है। और बच्चों अगर मेरे पास आ जाए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 2/5 mr² होता है, याद रखिएगा। हमारी अर्थ, इसको हम अपनी कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए सॉलिड स्फीयर मानते हैं, तो बहुत बार जरूरत पड़ती है अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वी आर टू कीप दिस फिगर इन माइंड। एक रह गया हमारा डिस्क का, रह गया उत्तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे आपका 2 dimensional ऑब्जेक्ट सर्कुलर हो, बीच में से फिल्ड हो, रिंग को बीच में से फिल कर दीजिए ना, आपका डिस्क बन जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी 1/2 mr² ये सारे एक्सिस में से ही हैं। ठीक है जी, इन वैल्यूज को याद रखिएगा। और हाँ जी, क्या होगा मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हो, टेंजेंट के लॉन्ग निकालना चाहते हैं आप, हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस किया नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहता, फिर मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा डिस्क है या जो हमारा ये सारे के सारे हैं, जैसे ये आपका बेटे डिस्क था, डिस्क का आपने अगर डायामीटर के राउंड अबाउट निकालना हो, डायामीटर के अबाउट, तो ये 1/4 mr² आ जाएगा, याद रखिएगा। और आपका जो सॉलिड स्फीयर है, इसका डायामीटर के अबाउट एक्सिस डायामीटर ही होते हैं, सेम ही रह जाएगा। होलो स्फीयर का भी डायामीटर के राउंड अबाउट ही होता है एक्सिस, वो भी सेम ही रह जाएगा। और एक रह गया हमारा बेटा सिलेंड्रिकल शेल या सिंपली सिलेंडर, अगर आप सिलेंडर की बात कर लें, आई होप पहले वाला आपने कर लिया होगा, सिलेंडर हॉलो हो अगर, फिफ्थ केस है सिलेंडर, मैं डायग्राम बनाकर आपको बता सकता हूं, ये ऐसे है और ये एक्सिस हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के बराबर हुआ करता है,
इसको याद रखिएगा बेटा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास बेटे डिस्कस करने वाले। और अगर आप कहीं सॉलिड सिलेंडर की बात कर ले, जो बीच में से फिल्ड होता है, ये आपका हॉलो है सिलेंडर, और अगर आप सॉलिड सिलेंडर की बात कर लेंगे तो दैट विल बी 1/4 mR का स्केयर आ जाएगा, 1/4 mR स्केयर सॉलिड सिलेंडर के केस में। बाकी बेटे कुछ और आपका जो है, सॉरी 1/2 है, 1/4 नहीं है बेटा, मेक इट 1/2, 1/4 किसी और एक्सिस के राउंड अबाउट आएगा आ जाएगा, बट ये इन एक्सिस के राउंड अबाउट नहीं है। सो ये कुछ आपके बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज थी। तो मैं डायरेक्टली अब बेटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है हमारी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने वाली वो बच जाती है, फिर इनका तो वो मेरे ख्याल से फिर नहीं पूछना चाहिए अगर वो पूरा आपके सिलेबस में नहीं है तो, हाउ वी कैन कैलकुलेट अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक दो न्यूमेरिकल्स आपको इनके भी करवा दूं, और वैसे आपके सिलेबस के साथ काफी चेंजेस देखने को मिल रही हैं। सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द सिलेबस, देखते रहा करो थोड़ा थोड़ा बेटा, न्यूमेरिकल लिखिएगा बेटे, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री पार्टिकल्स, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बच्चों आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है कुछ इस तरीके की, इक्विलेटरल का मतलब है जिसके तीनों साइड्स बराबर के होंगे। Find the center of mass of the three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. बेटा एक मास 100 gram का है, दूसरा 200 gram का और तीसरा 150 gram का है, तीनों vertices पे रखे गए हैं ये। Each side of the equilateral triangle is 0.05 meter long. ये अगर साइड को A ले लें तो आपका जो A है, this is बेटा point A is 0.5 meter. मतलब 50 सेंटीमीटर के बराबर हो गया ना बेटा, आपके ट्रायंगल का साइड 50 सेंटीमीटर के बराबर का आपको उन्होंने दिया हुआ है। रिपीट करूंगा क्वेश्चन एक बार फिर से मैं। Find the center of mass of the three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long, beta. Center of mass जो आपका होगा बेटा, ये roughly यहाँ पे lie करेगा, इस point पे lie करेगा। सी पॉइंट आप इसको बेटे बोल सकते हो, और आप अगर एक्सिस अपने प्लॉट कर लें सारे के सारे एक्स और वाई एक्सिस बेटे, तो ये आपका इसको आप ये कोऑर्डिनेट आपके जीरो जीरो आ जाएंगे, ये पूरी साइड ए है, इतना पार्ट ए बाई टू हो जाएगा बेटा, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट ए बाई टू और वाई कितना आ गया जी, वाई कितना आ जाएगा, ए तो नहीं आएगा आपको, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला निकालने के लिए, हाँ जी यस यस यस, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करते हैं अभी कितना आएगा। और साथ ही साथ बेटा लेट मी री राइट दिस वंस अगेन, आई डोंट थिंक ये भी ए बाई टू नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है,
तो हम नहीं कह सकते कि ये ए बाई टू आ जाएगा, दिस साइड बाई दिस साइड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ 60 आ जाएगा ना, दिस साइड बाई दिस साइड साइन 60 आ जाएगा, कॉस 60 एंड साइन 60 की वैल्यू डाल के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे बेटा। और अगर आप इसकी बात कर लोगे तो ये वाला साइड तो आपका ए के बराबर का ही एक्स कोऑर्डिनेट, इट विल बी 0.5 मीटर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग ये है ही कुछ नहीं है, जीरो ही है क्योंकि इसकी हाइट नहीं है बेटा। कॉस, हाँ जी बेटे, कॉस 60 करके देखते हैं, कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू दिस साइड एक्स बोल देता हूं डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा, है ना बेटा। और ओ पॉइंट फाइव ही आ रहा है एक्स, ठीक है आपकी बात, ए कॉस 60 बन गया जी, ए आपका पॉइंट फाइव है बेटे, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होगा आई थिंक, है ना, तो इट विल बी 0.25 आ गया ना बेटा। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0.25 बन गया जी। और डियर चिल्ड्रन साइन 60 कितना होता है, रूट साइन 60 रूट 3/2 है ना, सो साइन 60 जब आप यूज कर लोगे ये आ जाएगा ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, आपको ये चाहिए ना वर्टिकल, यही वाई कोऑर्डिनेट है, इट विल बी वाई अपॉन ए, वाई इज इक्वल टू ए साइन 60 बेटा, ए आपका 0.5 है, साइन 60 रूट 3/2 इट इज रूट 3 इंटू 0.25, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट बन गया, है ना बेटा। जरा चेक कर लीजिएगा बेटे, कोई गड़बड़ के चांसेस ना रह जाएं, 0.25 इनटू रूट 3 चेक करिएगा, सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे ठीक निकल गए हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई कैलकुलेशन में ना कोई पॉइंट हमारा ठीक है सारा। बाकी बेटा जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, टू बॉडी सिस्टम है, थ्री बॉडी सिस्टम है, एन बॉडी एन पार्टिकल सिस्टम है, तो आपको हरेक की पोजीशन का पता होना जरूरी चाहिए। और अब देखो बेटे, आपने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स की बात ऑलरेडी कर रखी है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये आपका ट्रायंगल तो एक प्लेन लेमिना में ही आएगा ना बेटे, इट इज नॉट थ्री डायमेंशनल बॉडी, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का बच्चों क्या बना पुत्र, एनी वन फ्रॉम योर साइड, वेरी नाइस, एम वन एक्स वन प्लस, वेरी गुड, प्लस वेरी नाइस डिवाइडेड बाई, देखो आपको अच्छे से आता है ये, फटाफट कैलकुलेट कर देंगे, ऐसे ही वाई सेंटर ऑफ मास, ये आप एम वन वाई वन एम टू वाई टू एम थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री कर देंगे, ठीक है जी। M1 हमने किसको बोला था, इसको बोल दें M1 M2 M3, ठीक है जी, M1 M2 एंड बेटे M3, जरा कैलकुलेशन करेंगे अब आप, चेक करके देखिएगा जरा, मीटर में ही रहने देना इसको, सेंटीमीटर में मत करना, जो जैसे फिगर है ऐसे ही रहने देना बेटा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मास के डिनोमिनेटर में और यहां पे प्रेजेंट होने की वजह से मास के कट जाएंगे यूनिट्स, तो दैट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। एक्स और वाई ही हमें चाहिए बेटा,
हरनूर, ख्याति, मनजोत, अर्शप्रीत, राघव, इश्नूर, मिताली, नमन। हाँ जी बेटे, एक्स और वाई निकाल लीजिए। गुड, वेरी गुड। सारी चीजें आपके पास हैं, M1, M2, M3, X1, X2, X3 हो गया बेटा। सहज, हाँ जी, X is 2/9 नहीं आ रहा बेटा, एक बार रीचेक करना पड़ेगा आपको। हाँ टू बाई 25 भी नहीं आ रहा। हाँ वाई इज, नहीं ऐसा नहीं कुछ भी। डिनोमिनेटर में तो देखो आपका 450 बन जाना है सम ऑफ द ऑल। और अगर आप इसको बेटा X1 एंड Y1 कह देते हैं और आप इसको X2 एंड Y2 कह देते हैं, इसको आप X3 एंड Y3 कह देते हैं, तो 0.2x और y 2/9 5/18 निकाल रहे हैं वो अपनी कैलकुलेशन में। 2/9 नहीं है, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। मे बी उन्होंने मासेस कहीं और तरीके से ना लिए हों। इसको 0-0 ही उन्हें लिया है और यहाँ पे मास उन्होंने कौन सा रखा है, 100 का यहाँ पे उन्होंने प्लेस किया है, हमने 200 रखा है। और ये वाला सेकंड वाला जो है उन्होंने 150 यहाँ पे प्लेस किया है, इसकी वजह से हो सकता है अलग आ रहा हो। तो थर्ड वाले पे उन्होंने आपका 200 का रखा है यहाँ पे, तो ओरिएंटेशन की वजह से डिफरेंट आ रहा है। तो दैट विल वर्क बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लीजिएगा। तो एग्जैक्टली आपने इसी तरीके से बेटा जो आपके पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं इनको सिंपली सब्स्टिट्यूट करके जो फैक्टर्स आपके कट जाए उनको कट कर दीजिए, जो रह जाए उनको रख लीजिए, तो यू विल कैलकुलेट इट। राइट बेटा, अब आप अपना रिजल्ट एक बार घर जाकर क्रॉस चेक जरूर कर लेना। उन्होंने 100, 150, 200 करके किया है, बाकी सारा सेम है। बाकी कोऑर्डिनेट्स तक तो आपका सेम रहेगा, मासेस को थोड़ा सा आप बदल के 2 मिनट घर पे जाके जरूर करके देख लीजिएगा। राइट बेटा, तो आपका एक और न्यूमेरिकल अलग हो जाएगा। इस पे सॉल्व किया हुआ है उन्होंने, यू एक्स आपका 5/18, y 1/3√3, 5/18, 1/3√3 With this orientation of masses, जो हमने ये बात की है उनके साथ, इनके साथ नहीं, जो हमने किया है वो अलग है, ये अदरवाइज आंसर है। राइट बेटा, 2 मिनट जरूर लगा लीजिएगा, निकाल लीजिएगा 2 मिनट्स। सो इसके बाद बेटा आइए आगे चलें। स्टिल वी हैव वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टाइप, आइए देखें डिस्कस करके क्या हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। आपको कहा गया है बेटा, नोट कर लीजिएगा बेटे, a torque of 20 newton meter इज अप्लाइड ऑन ए व्हील इनिशियली एट रेस्ट। ये आपका कोई व्हील है, मे बी फ्लाई व्हील टाइप दिया हुआ है, इनिशियली रेस्ट पे था, इस पे आपने इतना टॉर्क जो है अप्लाई किया। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 3 सेकंड्स। एंगुलर मोमेंटम एल आपको 3 सेकंड्स के बाद निकालना है, जब आपने टॉर्क अप्लाई कर दिया उसके 3 सेकंड्स के बाद आपका एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होगा, दिस इज नीडेड। सो कल हमने टॉर्क का एक रिलेशनशिप किया था, टाओ इज इक्वल टू टाओ टॉर्क,
Yes, dl dt, good. Torque tau is equal to dl upon dt. ठीक है जी, पहले आपका मोमेंटम जीरो ही था जब आपने टॉर्क नहीं अप्लाई किया, बाद में एल हो गया, तो डीएल को तो आप एल लिख सकते हो। टाइम कितना लगा आपका, पहले कुछ भी नहीं था, जीरो था, फिर 3 सेकंड्स हो गए। टॉर्क आपका कितना है, 20 न्यूटन का, जरा देखिएगा, 60 बन जाना है, सिंपल ही है। एल आपका आ जाएगा 60, और यूनिट्स आपके बेटे हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, थोड़ा सा एक्सरसाइज को जरूर देखिएगा, सारी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में अब नहीं रही। अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करोगे, दैट इज नॉट कंप्लीटली इन योर सिलेबस प्रेजेंट नाउ, तो जो जो टॉपिक्स हमने किए हैं उनके साथ रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आप जरूर देख लीजिएगा, जो मुझे जरूरी टाइप्स लगी थी वो मैंने जरूर लिखी हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल बेटा।